बगैर मेहनत के बहुत कम टाइम में बनाएं मज़ेदार चिकन स्टेक, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये वर्किंग वुमेंस के लिए, वर्किंग मॉम्स के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टेक, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चिकन स्टेक बनाने के लिए मैंने चिकन के ब्रेस्ट पीस लिया है और उसके इस तरह से पीसेस कर लिए हैं, इतने मोटे, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इसके पीसेस कर लिए हैं। अब मैंने 2 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है, एक खाने का चम्मच एचपी सॉस, एचपी बारबेक्यू सॉस, अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस नहीं है तो आप उसकी जगह इमली की जो खट्टी मीठी चटनी होती है वो यूज़ कर सकते हैं, 1 खाने का चम्मच लीमू का रस, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, 1/2 चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच पिसी सफ़ेद मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर और 1/2 चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम नमक। अगर सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च के पाउडर को डबल कर लीजिए। 1/2 चाय का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, अगर मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप मस्टर्ड पाउडर डाल लीजिए, अगर वो भी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब ये चिकन के पीसेस लूँगी मैं इसमें और सारे पीसेस पे ये कोटिंग जो मैरिनेशन बनाई है इसको अच्छी तरह से लगा दूँगी। इसको अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें लगाने के बाद इसको 1/2 घंटे के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। ये मैंने 2-3 जवे लहसुन के लिए हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया है और 1 खाने का चम्मच मेल्टेड बटर, मेल्ट किया हुआ पिघला हुआ मक्खन, इनको मिक्स कर लूँगी मैं। इसको मैंने मिक्स करके रख लिया है, अब मैं बाद में बताती हूँ आपको कि इसको कैसे यूज़ करना है। चिकन है जो है वो अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी है, तो मैंने पैन चूल्हे पे रख दिया है, पैन अच्छी तरह गर्म होना चाहिए और नॉन स्टिक पैन है तो आपको इस वक्त कोई ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है तो फिर आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए। अब इसमें हम चिकन के पीसेस डाल देंगे। पैन अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, अगर पैन गर्म नहीं होगा तो आपके जो चिकन के पीसेस हैं वो पैन से चिपक सकते हैं और आपकी स्टेक की शक्ल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए पैन अच्छी तरह गर्म करके फिर हम इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे और आप अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पतले या मोटे स्टेक बना सकते हैं। मैंने ना तो बहुत पतले लिए हैं ना बहुत मोटे लिए हैं, बल्कि थोड़े से पतले ही हैं। और पतले का ये फ़ायदा होता है कि आप उसको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, आप उससे बर्गर बना सकते हैं, आप उससे सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं और बहुत सी डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मोटे होते हैं उसको आप स्टेक के तौर पे ही खा सकते हैं या फिर आप किसी चीज़ में अगर उसको डालेंगे तो आपको तोड़ के काट के डालना पड़ेगा, लेकिन पतले वाले जो स्टेक हैं उसको आप एज इट इज़ सैंडविच या बर्गर में लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पकाऊंगी, फिर मैं इसको टर्न करूंगी। 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इनकी साइड चेंज करूंगी। दो तीन मिनट ही मैं इसको दूसरी साइड से पकाऊंगी, लेकिन इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगी, इसमें जो मैंने लहसुन और मक्खन मिक्स करके रखा था वो इसमें ऐड करूंगी, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इस मक्खन और जो लहसुन का हमने पेस्ट बनाया है इसमें आप चाहें तो कोई हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऑरिगेनो, रोजमेरी, थाइम, जो आपके पास अवेलेबल हो आप इस पर वो हर्ब्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी प्लेन सिंपल बना रही हूँ। ये जो गार्लिक का, लहसुन का और मक्खन का फ्लेवर आएगा इसमें तो ये बहुत मज़े का बनेगा।
फ्लेम मैंने इसकी लो रखी हुई है और बीच बीच में हम इसको इस तरह से हिला लेंगे और एक आध दफ़ा टर्न करके देख लेंगे कि ये जल तो नहीं रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो आपके चिकन के पीसेस के साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर तो पीसेस पतले हैं तो आप उसको कम पका लें, अगर मोटे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा पका लें इसको। तो 3 मिनट मैक्सिमम, 4 मिनट एक तरफ और 3-4 मिनट दूसरी तरफ से पकाऊंगी मैं इसको। और आँच इसकी मैंने लो से थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं कर दीजिएगा कि ये जल नहीं जाए। तो लो फ्लेम से बहुत हल्की सी ज़्यादा फ्लेम की हुई है मैंने। 2-3 मिनट हो गए हैं मुझे इस साइड से भी पकाते हुए। मैं इसकी साइड टर्न करके, साइड पलट के इसको 1-2 मिनट और पकाऊंगी। सात आठ मिनट हो गए हैं पकते हुए हमारे स्टेक को। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये बहुत ही फास्ट, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और स्पेशली वर्किंग मॉम्स के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसको बना के आप आराम से बहुत सारा जो है बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं और उसके बाद जो है इससे बहुत सारी रेसिपीज़ इन्वेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको चिकन स्टेक की एक टिप देना चाहूँगी कि आप इसको बनाने के बाद फ़ौरन सर्व नहीं करें, इसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट दीजिए ताकि जो इसके जूसेस उसको पकाते हुए चिकन के निकले हैं वो इसमें दोबारा से अब्जॉर्ब हो जाएं और जब आप इसको खाएं तो ये आपको बहुत जूसी, बहुत मज़े की लगे। तो ये मैं आपको काट के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार, कितनी जूसी, कितनी ज़बरदस्त लग रही है अंदर से भी। और बहुत कम टाइम में बनने वाली और बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और जिनके पास टाइम कम होता है उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही मज़े के चिकन स्टेक मिनटों में और इतनी आसानी से आपके सामने बन के तैयार हो चुके हैं। मैंने इसके साथ ये मैश पोटैटो बनाए हैं। इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, इसका टेस्ट, इसका जायका बहुत अच्छा लगता है इन दोनों को जब साथ खाते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये वर्किंग वुमेंस के लिए, वर्किंग मॉम्स के लिए बहुत बेहतरीन रेसिपी है। आप ख़ुद अपने लंच के लिए इसको ले जा सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं और इससे और भी वेरिएशन करके बहुत सी रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसको लगा के आप सैंडविच बना सकती हैं, बर्गर बना सकती हैं, मैक्रोनी, पास्ता और बहुत सी रेसिपीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बना के आराम से, बहुत सारे बना के 1 महीने तक आप आराम से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी चाहे निकालें, यूज़ करें, बनाएं, जिस भी रेसिपी में यूज़ करना है, बच्चों को लंच में देना है, इसको यूज़ करें। और आपको ये अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।